भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची अयोध्या। 5 मिनट की स्टॉपेज के बाद अयोध्या से लखनऊ के लिए हुई रवाना। अयोध्या में संत महंतों के साथ सांसद अयोध्या ने ट्रेन पर पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। हजारों की संख्या में स्थानीय और राम भक्त भी रहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए मौजूद। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या पहुँचने पर लगा जय श्री राम का नारा। अयोध्या से 35 यात्रियों ने लखनऊ के लिए किया वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए शहर की सभी रेलवे क्रॉसिंग पर रही भारी भीड़। वंदे भारत का स्वागत अयोध्या के पूज्य संतों ने, अयोध्या की जनता ने यहाँ पर भारी उल्लास के साथ किया है। गोरखपुर से, गोरखधाम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में हरी झंडी दिखा करके गोरखधाम से अयोध्या धाम और लक्ष्मणपुरी तक की इस ट्रेन को उन्होंने प्रारंभ किया है। देखिए, आज हम सभी लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए तथा समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अभूतपूर्व दिवस है। जिस प्रकार से अयोध्या को वांछित रखा गया था, न सिर्फ आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और आज अयोध्या में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन तमाम नए संसाधनों से लैस ये बन रहा है, उसी प्रकार से तीव्र गति से चलने वाला भारत में स्वनिर्मित वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया, और साथ ही लखनऊ जो भगवान लक्ष्मण जी और राम जी, गोरखपुर भगवान शिव और राम और लक्ष्मण जी की नगरी को ये जोड़ेगी, तो हम सभी सनातनियों के लिए ये अभूतपूर्व दिवस है। ये दर्शाता है कि आज किस प्रकार से अयोध्या सहित पूरा भारत हमारा फिर से विकसित होने को आतुर है और दुनिया के मानचित्र पर दिखने को आतुर है। हम सभी आज इस वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए यहाँ साधु संत समाज सहित संपूर्ण सनातनी समाज संपूर्ण अयोध्या पहुंची थी और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।